सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लास सेवेंथ में जो आपका पांचवा पाठ है अर्थात पंचमा पाठा, जिसका नाम है श्रमस्य महत्वम। श्रमस्य मीन्स होता है श्रम, मेहनत। महत्वम माने महत्व, श्रम का महत्व। इसका नाम है श्रम का महत्व। इस पाठ को यहाँ पर हम आज अपने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो श्रम का महत्व क्या होता है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि श्रम का कितना महत्व है। सभी बच्चे श्रम से पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि उनको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए श्रम के साथ, ये नहीं है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हम क्या करें, खेलें, ऐसा नहीं है। आप खेलिए, लेकिन समय पर आपको पढ़ना भी चाहिए। जब आप श्रम के साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं श्रमस्य महत्वम नामक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लिखा हुआ है कि भगवान पुर नामनी एकस्मिन ग्रामे सुशीला नाम कहा एक बाल कहा निवसति। भगवानपुर नामक एक गांव में सुशील नामक एक बालक निवसति मीन्स रहता था। सहष्टा पुष्टा स्वस्था चासीत, वह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, वह रोज विद्यालय जाता था। किंतु तस्य रुचि पठन पाठने न रमति, किंतु उसका मन पढ़ने पढ़ाने में नहीं लगता था। रमति माने लगना। कारणात तस्य गुरुवः माता पिता च कुप्यन्ते स्म, अस्मात् कारणात् इसी कारण से तस्य उसके गुरुवः गुरु और माता पिता उससे क्रोधित रहते थे। एकस्मिन् दिने तस्य पिता तस्य अज्ञानात् अतिचिन्तितः आसीत्। एकस्मिन् दिने एक दिन उसके पिता उसके अज्ञान को लेकर बड़े चिंतित थे। सह वारम वारम अबोधयत् परम तस्य मनः लेशमात्रमपि प्रेरितं नाभवत्। सह वारम वारम अबोधयत्, वे बार बार उसको याद दिलाते परंतु तस्य मनः लेशमात्रमपि प्रेरितं नाभवत्। लेकिन उनका उसका जो मन था वो लेशमात्र माने बिल्कुल भी प्रेरित न हुआ। एकदा सुशीला विद्यालयम गच्छन्ति स्म, एक बार सुशील विद्यालय जा रहा था। सह मार्गे एकस्य गृहस्य द्वारे सामपट्टम अवश्यत्। सह मार्गे उसने रास्ते में एक ग्रह के द्वार पर एक श्याम पट्ट देखा अर्थात ब्लैक बोर्ड देखा। तत्र लिखितम आसीत्, उस पर लिखा था ज्योतिष कार्यालय इति, कि यह ज्योतिष का कार्यालय है। सुशीला अपटत अचिंतयत च अहम अपि दैवगेन प्रच्छाम यत मम भाग्य विद्या अस्ति वनावा। सुशीला अपटत, सुशील ने पढ़ा, अचिंतयत च और सोचा अहम अपि दैवगेन प्रच्छाम, मैं भी ज्योतिषी से पूछता हूँ कि यत माने कि मम भाग्य विद्या अस्ति वनावा, कि मेरे भाग में विद्या है अथवा नहीं। दैवज्ञा स्वकक्षे तिष्ठति, तुम जो ज्योतिषी था वो अपने कमरे में बैठा था। स तस्य पार्श्वे आगत्य स्वदक्षिण हस्तम दत्त्वा पृच्छत्, वह उसके पास आ गया और अपने दाहिने हाथ को दिखाकर उससे पूछा मम भाग्य विद्या अस्ति न वा, मेरे भाग में विद्या है अथवा नहीं। दैवज्ञा नेत्रावाम तमस्तम पश्यत, देवज्ञ माने ज्योतिषी ने आँखों से उसके हाथों को देखा। सुशीला अभवत, सुशील ने कहा आम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ किंतु मनः पठन पाठने न रमति, लेकिन मेरा मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता। अयम ज्ञातुम इच्छामि, मैं यह जानना चाहता हूँ यत अग्रे पठितुम शक्नोमि न वा, कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ या नहीं। देवज्ञा अभवत, देवज्ञ ने कहा तब पार्श्वे विद्या या रेखा नास्ति, तुम्हारे पास तो विद्या की रेखा ही नहीं है।
सुशीला कुत्र भवति विद्याया रेखा, सुशील पूछता है कि विद्या की रेखा कहाँ होती है। देवज्ञा एव कलमेन तस्य हस्ते रेखाम अंकितम अक्रोत, ज्योतिषी ने एक कलम से उसके हाथ में एक रेखा खींच दी। अनया रेखाया बाला विद्याम प्राप्त होती, इस रेखा से बालकों को विद्या प्राप्त होती है। सचिंतामग्न ग्रहमगत, वह चिंतित होकर घर लौटाया। एकाम छुरिकाम गृहीत्वा स्वहस्ते विद्या रेखा निर्मातुम शीघ्रमेम आरवत हस्ता रक्त प्लाविता अभवत। एकाम छुरिकाम गृहीत्वा एक छुरी को लेकर स्वहस्ते विद्या रेखा निर्मातुम अपने हाथ से विद्या की रेखा का निर्माण शीघ्रमेव आरभत उसने शीघ्र ही शुरू कर दिया। हस्ता रक्त प्लाविता अभवत, उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। किंतु स प्रयत्नम नात्यजत, किंतु उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। स निश्चयम अक्रोत यत्मम पार्श्वे विद्या रेखा नास्ति, स निश्चयम अक्रोत उसने निश्चय कर लिया कि यत्मम पार्श्वे विद्या रेखा नास्ति, यदि मेरे पास विद्या की रेखा नहीं है तर्हि अहम स्वपरिश्रमेण रेखा निर्माणस्यामि, तो मैं स्वयं अपने परिश्रम के द्वारा उसका निर्माण करूँगा, उस विद्या की रेखा का निर्माण करूँगा। अकस्मात तस्य मनः नूतना विचार आ जाए, अचानक ही उसके मन में नया विचार उत्पन्न हुआ। यत विद्या तो परिश्रमेण भवति, विद्या तो परिश्रम से होती है आती है। हस्त कर्तेन विद्यायां किं प्रयोजनं भविष्यति, हाथ काटने से विद्या का क्या प्रयोजन होता है। कठिन परिश्रमेण विद्या प्राप्स्यामि, मैं कठिन परिश्रम करके विद्या को प्राप्त करूँगा। सकल कार्यम त्यक्त्वा अहर्निशं पठन्ति स्म, सभी कार्यों को छोड़कर अहर्निशं पठन्ति स्म, मैं दिन रात पढ़ूंगा। बहूनि दिनानि उसने सकल कार्य त्यक्त्वा सारे कार्यों को छोड़कर उसने क्या किया, दिन रात पढ़ाई की। बहूनि दिनानि व्यतीतानि किंतु तस्य पठन पाठन क्रम भंगम न होवत, बहुत दिनान व्यतीतान बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी तस्य पठन पाठन क्रम भंगम न होवत, किंतु उसका जो पढ़ने पढ़ाने का जो क्रम था वो भंग नहीं हुआ। स्वपरिश्रम बलेन स महान पंडिता अभवत, अपने परिश्रम के बल पर वो एक महान विद्वान हो गया। अतः परिश्रमेण एव सिद्धन्ति कार्याणि, अतः सीख ही कहा गया है कि परिश्रमेण एव सिद्धन्ति कार्याणि, कि परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो सभी बच्चों ने सीखा कि ज्योतिषी ने उसको बताया कि तुम्हारे हाथ में रेखा नहीं है विद्या की, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तो उसने क्या किया, एक छुरी ली और उससे क्या किया, विद्या की रेखा का निर्माण किया। फिर उसने अचानक विचार किया कि विद्या के लिए रेखा की क्या ज़रूरत, जब हम दिन रात पढ़ाई करेंगे तो विद्या हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगी, और उसने ऐसा ही किया, दिन रात पढ़ाई की और एक महान ज्ञानी बन गया। तो इसीलिए आपसे भी यही बात कही जाती है बच्चों से कि दिन रात परिश्रम से पढ़ाई करें, तभी आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस जो पाठ है आपका, इसका जो हिंदी अनुवाद है, इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। दैट्स ऑल, थैंक यू।